हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपको बताने वाला हूं कैसे आप अपने मेमोरी कार्ड का आप डेटा रिकवर कर सकते हैं। फ्रेंड्स, अपना आप मेमोरी कार्ड जैसे लगाते हैं और आपको ये वाला एरर आपको दिखता है, आपका फ़ोन का मेमोरी कार्ड या फिर आपका कैमरे का मेमोरी कार्ड, तो फ्रेंड्स आपको कैसे क्या करना है और कौन सा सॉफ्टवेयर आपको यूज़ करना है, फ्रेंड्स ये मैं आपको बताता हूँ। तो फ्रेंड्स देखिए, ये डेस्कटॉप पे मेरे पास एक फाइल रखी है, मैं इसको एक्सट्रैक्ट करता हूँ। एक्सट्रैक्ट हेयर, और फ्रेंड ये फाइल का नाम है कार्ड रिकवरी सॉफ्टवेयर। तो फ्रेंड इसको मैं ओपन करता हूँ और ये कार्ड रिकवरी में ओपन करता हूँ और इसमें ये जो सेटअप है मैं इसको यहाँ से रन करता हूँ। ये फ्रेंड्स बहुत छोटा सॉफ्टवेयर है और बहुत जल्दी इंस्टॉल हो जाएगा। तो फ्रेंड्स इसके बाद आप नेक्स्ट करिए, यस नेक्स्ट नेक्स्ट और फ्रेंड्स ये आप चेक कर दीजिए और इसे फिनिश कर दीजिए। तो फ्रेंड्स देखिए, ये सॉफ्टवेयर आपका इसमें इंस्टॉल हो चुका है। और फ्रेंड्स देखिए, आप हेल्प में जाएंगे और यहाँ पर अबाउट में जाएंगे तो ये सॉफ्टवेयर का वर्जन आपको शो कर जाएगा, कौन सा सॉफ्टवेयर ये वाला है, कार्ड रिकवरी करके सॉफ्टवेयर है ये। तो फ्रेंड इसको आप जैसे एक्टिवेट करेंगे तो ये कैसे करेंगे ये भी आप देख लीजिए। यहाँ पर आप एंटर की डालिए और की मैंने आपको इस सॉफ्टवेयर में आपको डिस्क्रिप्शन में आपको इसका लिंक सॉफ्टवेयर का और की दे दूँगा। यहाँ से आप इसको कॉपी करके और यहाँ पर आप इसको पेस्ट कर दीजिए। और ओके, तो फ्रेंड देखिए, कॉन्ग्रेचुलेशन रजिस्टर ये आपका हो गया है कि, और इसके बाद आप इसको क्लोज कर दीजिए। तो फ्रेंड्स ये अब आपका सॉफ्टवेयर एक्टिवेट हो गया है। अब इसको इसमें से आपको कैसे आप डेटा रिकवर करें ये आप देखिए। तो ये फ्रेंड्स, ये सॉफ्टवेयर मैं ओपन करता हूँ देखिए, और इसमें आप देखिए ये एक्टिवेट वर्जन आपको शो करेगा। इसमें आप नेक्स्ट जाइए, जैसे आप नेक्स्ट करेंगे तो यहाँ पर आपको ड्राइव दिखाएगा, कहाँ पर आपकी ड्राइव में, कौन सी ड्राइव में आपका कार्ड लगा है और वो आपको यहाँ शो कर देगा। और यहाँ से आपको इमेज है, मूवी है या ऑडियो है, यहाँ से आप इसको सेलेक्ट कर सकते हैं। और यहाँ से आप इसको कैमरे में भी, अगर आपका कैमरा आपने डायरेक्ट लगा रखा है तो यहाँ से भी आप इसमें कैमरा सेलेक्ट करके रिकवर कर सकते हैं। आपको फ्रेंड्स फ़ोटो है, ऑडियो है या फिर वीडियो है, ये कर सकते हैं। और फ्रेंड्स की बात अब देखिए, कहाँ पर ये सेव हो रहा है ये भी आप इसमें चेंज कर सकते हैं, लोकेशन चेंज करना है तो। उसके बाद आप नेक्स्ट करिए। फ्रेंड्स ये ड्राइव सेलेक्ट करने के लिए बोल रहा है, जहाँ पर आपका कार्ड लगा है वहाँ से आप सेलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद नेक्स्ट। तो फ्रेंड्स देखिए, जैसे मैं नेक्स्ट किया तो इसने फाइल रिकवरी स्टार्ट कर दी है। और फ्रेंड्स ये आपके फाइल के ऊपर डिपेंड करता है कितनी आपकी मेमोरी कार्ड में आपकी फ़ोटोज़ है या वीडियो, जो भी आप रिकवर करना चाहते हैं वो आप कर सकते हैं। पर फ्रेंड्स ज़्यादा होगा तो टाइम थोड़ा लगाएगा ये। तो फ्रेंड्स इस मेमोरी कार्ड में फाइल ज़्यादा हैं तो ये रिकवर हो रही है और ये थोड़ा टाइम भी लगाएगा, क्योंकि ये आपके फाइल की साइज़ के ऊपर भी डिपेंड होता है। फ्रेंड जब ये पूरा हो जाएगा तो आपको सिलेक्ट करने के लिए बोलेगा। अभी मैं आपको दिखाता हूँ कैसे इसको सिलेक्ट करना है। तो फ्रेंड इस सॉफ्टवेयर का लिंक आप डिस्क्रिप्शन से भी डाउनलोड कर सकते हैं और इसकी की भी मैं आपको दे दूँगा। तो फ्रेंड देखिए, इसने दिखाया कि पूरा हो गया है। इसके बाद ओके करिए इसको, इसके बाद नेक्स्ट, देखिए नेक्स्ट। और इसमें आप करिए, इसमें आप प्रीव्यू सेलेक्ट करिए। तो आपको यहाँ पर ये आपकी सारी फाइल्स शो करने लगेगा। तो उसका आप यहाँ से सिलेक्ट करके जो आपको फाइल चाहिए ये यहाँ से नेक्स्ट करके आप इसको रिकवर करिए। तो मैं नेक्स्ट करता हूँ उसको। तो फ्रेंड्स देखिए, ये फाइल अब सेव होने लगी है। तो देखिए फ्रेंड्स, ये फाइल पूरी हो चुकी है। और यहाँ से मैं ओपन करूँगा तो ये फाइल आपको यहाँ से ये वो फोल्डर ओपन हो जाएगा जहाँ पर मैंने इसको फाइल को सेव किया है। इसमें ऊपर क्लिक करता हूँ इस पर और उसको आप फिनिश कर दीजिए और क्लोज। और फ्रेंड जैसे मैं फाइल का फोल्डर खोलता हूँ तो इसमें फाइल आपकी शो करने लगेगा। तो फ्रेंड्स थैंक यू सो मच। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।